नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। जब योगी सरकार यूपी में कोरोना जैसी जानलेवा महामारी से निपटने में पूरे जी जान से जुटी हुई, तो ऐसे समय में यूपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आगरा में कोरोना से हुई मौत को मुद्दा बनाकर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से 48 घंटे में 28 लोगों की मौत का दावा किया, लेकिन प्रियंका के दावों की पोल खुद आगरा के डीएम ने खोल दी। साथ ही प्रियंका के आरोपों को पूरी तरह झूठा और निराधार बताकर नोटिस भेज दिया। दरअसल प्रियंका गांधी ने सोमवार को ट्वीट किया, आगरा में 48 घंटे में भर्ती हुए 28 कोरोना मरीजों की मृत्यु हो गई। यूपी सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है, किसी मॉडल का झूठा प्रचार करके सच दबाने की कोशिश की गई। सरकार की नो टेस्ट नो कोरोना पॉलिसी पर सवाल उठे थे, लेकिन सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर यूपी सरकार सच दबाकर कोरोना मामले में इसी तरह लगातार लापरवाही करती रही तो बहुत घातक होने वाला। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद सियासी बवाल बढ़ा तो मंगलवार सुबह डीएम आगरा ने प्रियंका गांधी को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से अपने बयान का खंडन जारी करने को कहा गया। प्रियंका को आगरा डीएम की ओर से भेजे गए नोटिस में लिखा है, ट्विटर पोस्ट से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई जिससे जनमानस में ये संदेश जाता है कि 48 घंटे में 28 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु हुई। इस समय संपूर्ण भारतवासी कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लड़ रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स, कोरोना फाइटर्स और जन सामान्य पर प्रतिकूल प्रभाव एवं भ्रम का वातावरण उत्पन्न करता है। जबकि सच्चाई यह है कि पिछले 109 दिनों में आगरा में कोविड-19 के अब तक कुल 1,139 केसेज आए और 79 कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु हुई। पिछले 48 घंटे में 28 लोगों की मृत्यु की सूचना असत्य एवं निराधार है। डीएम ने प्रियंका गांधी को 24 घंटे के अंदर भ्रामक असत्य खबर का खंडन सुनिश्चित करने को कहा, ताकि इस कोविड-19 के संक्रमण के समय में समस्त नागरिकों एवं किसी भी पद पर कार्यरत कर्मी को सही स्थिति की जानकारी मिल सके एवं इस महामारी में लगे हुए कार्मिकों के मनोबल को ठेस न पहुंचे। आगरा डीएम की सफाई के बावजूद प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोलना नहीं छोड़ा। उन्होंने कुछ ही देर बाद एक और ट्वीट कर कहा कि आगरा में कोरोना से मृत्यु दर दिल्ली और मुंबई से भी अधिक है। यहाँ कोरोना से मरीजों की मृत्यु दर 6.8% है। यहाँ कोरोना से जान गंवाने वाले 79 मरीजों में से कुल 35% यानी 28 लोगों की मौत अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर हुई। आगरा मॉडल का झूठ फैलाकर इन विषम परिस्थितियों में धकेलने का जिम्मेदार कौन? इधर आगरा डीएम 24 घंटे में प्रियंका गांधी से ट्वीट का खंडन करने को कह रहे थे। इधर प्रियंका ने आगरा मुद्दे पर योगी सरकार को ही अल्टीमेटम देकर 48 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा।